फैंग कंपनीज को अपनी हाई सैलरीज के लिए जाना जाता है, और कोविड के बाद जब बहुत सारे लोग अपनी डेली नीड्स के लिए ऑनलाइन शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए तो टेक इंडस्ट्री में एक बहुत तगड़ा बूम आया, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज के बारे में सुनने को मिला। अब आप लोग सोचते होंगे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न का इंजीनियर करोड़ों में कमाता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एक रियल एग्जाम्पल के साथ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने 2.5 ईयर्स में कितना कमा सकता है। More than 12,000 jobs are up for grabs. Amazon reporting a nearly 40% growth. अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सैलरी के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका बेस सैलरी। अभी बेस सैलरी वो होती है जो आपके बैंक अकाउंट में आती है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ऑफकोर्स टैक्सेस लगते हैं इसमें और टैक्सेस के बाद आती है ये सैलरी। सेकेंड है आपके बोनसेस। अब बोनसेस कई तरीके के होते हैं। ज्वाइनिंग बोनस जो आपको ज्वाइन करते ही बैंक अकाउंट में आ जाता है। ईयर एंड बोनस जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बैंक अकाउंट में आता है। देन देयर इज रिलोकेशन बोनस एज वेल। अगर आप दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं काम करने के लिए ऑफिस के पर्पज से, तो आपको एक रिलोकेशन बोनस भी मिलता है। ये भी आपके बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में ही आ जाता है। बट इन बोनसेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आप एक साल से पहले कंपनी छोड़ते हैं तो ज्वाइनिंग बोनस और रिलोकेशन बोनस आपको वापस करना पड़ता है। बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट Cryo.do. Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform designed for aspiring developers. How is it different? So Cryo follows learn by doing approach that helps you develop practical skills with project-based curriculum focused on real-life tech scenarios. Now let me tell you about Cryo's fellowship program in software development. Cryo provides hands-on work-like projects to master CS fundamentals and full-stack or back-end skills in actual developer environment. You will learn to build a high-scale distributed web backend for food ordering apps like Zomato, an OTT platform, and seamless video streaming service like Netflix, a functional and scalable e-commerce app like a full-stack developer at Amazon. You will get the opportunity to pick your specialization in either backend or full-stack development. Cryo offers guaranteed job searches by providing you job search support, referrals, and career guidance from experienced career coaches. Mentors at Cryo are seasoned professionals working at leading companies like Google, Amazon, PayPal, Walmart, Microsoft, and more. Cryo offers exclusive career assistance and helps you build a verified GitHub portfolio. Cryo has transformed 1300 plus careers already, and a lot of students have been placed in companies like Walmart, Microsoft, Cred, Amazon. Cryo is also trusted and recognized by National Skill Development Corporation, NSDC. Which is an entity of Government of India. Kickstart your upskilling journey by booking a free trial at Cryo. The link is there in the description. Go check it out now. Third component है आपका equity या फिर ESOPs, यानी कि share in the company. अब equity क्या होता है? तो कोई public company है जैसे कि Google, Microsoft, Amazon, जिसके shares आप जाके publicly खरीद सकते हो. इसमें आपको equity मिलती है. Whereas startups जो कि publicly registered नहीं हैं, उसमें आपको ESOPs मिलता है. अब इन दोनों में difference जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो आपकी इक्विटी होती है पब्लिक कंपनीज की, उसको आप इजीली सेल कर सकते हो अगर वो वेस्टेड है तो। वेरेस ईसॉप्स अगर वेस्टेड हैं फिर भी आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हो मार्केट में, क्योंकि ईसॉप्स पब्लिक नहीं होते हैं, पब्लिकली सेल नहीं कर सकते हो। तो आपकी जो इक्विटी है जो पब्लिक कंपनीज की है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है। यू कैन सेल इट एनी टाइम इफ इट इज़ वेस्टेड। वेरेस ईसॉप्स आप कभी भी सेल नहीं कर सकते हो। मैं बताऊँगा कि आप कब ईसॉप्स सेल कर सकते हो। लेकिन इक्विटी हो चाहे ईसॉप्स हो, आपको डे वन पे एलोकेट ज़रूर किया जाता है। और ध्यान से सुनना इस वर्ड को, आपको सिर्फ एलोकेट किया जाता है, वेस्ट नहीं होता। वेस्ट होता है अगले तीन या चार साल में डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। जिन कंपनीज में मैंने काम किया है उसमें ईसॉप्स और इक्विटी चार साल में वेस्ट होती है। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 10 लाख रुपये के ईसॉप्स दिए हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर वेस्ट होने वाले हैं 25% ईच ईयर, तो 2.5 लैक्स करके ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर वो वेस्ट होंगे। एक बार वो वेस्ट हो गए देन आप कंसिडर कर सकते हो कि वो आपके शेयर हुए। सेम गोज फॉर द इक्विटी ऑफ द पब्लिक कंपनीज, ठीक है। अब वेस्ट होने के बाद वो आपके यूनिट्स हो जाते हैं, आप उनको सेल कर सकते हो इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। ईसॉप के केस में सेल नहीं कर सकते हो, बट ईसॉप के केस में देर आर 3 सिनेरियोज जहां पर आपको आप अपने ईसॉप्स को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 1, अगर आपकी कंपनी बायबैक कर ले, यानी कि आपके ईसॉप्स को खुद वापस खरीद ले। सिनेरियो नंबर 2, अगर आपकी कंपनी एक्वायर हो जाती है, यानी कि एक बड़ी कंपनी आपकी कंपनी को खरीद लेती है। इन दैट केस आपके जो वेस्टेड यूनिट्स हैं यू विल बी एबल टू सेल दोज वेस्टेड यूनिट्स, आपको उसका पैसा मिल जाएगा।
सिनेरियो नंबर थ्री जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिनेरियो है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनता है लोगों का, दैट इज अगर आपकी कंपनी पब्लिक हो जाती है, अगर कंपनी खुद में इतनी बड़ी हो गई कि वो पब्लिक जाने के लिए रेडी है, देन इन दैट केस जो ईसॉप्स हैं वो फिर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे एक्चुअल इक्विटी में, एंड इक्विटी यू कैन सेल पब्लिकली। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। अभी एग्जाम्पल एक रियल एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं किसका एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर हम एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, गुड्डू भैया। तो गुड्डू भैया की ग्रेजुएशन होती है 2021 में और उनका कैंपस ऑफर लगता है कल्ट फिट में, जो कि उस टाइम पे क्योर फिट थी, एंड CTC वॉज 28 LPA। अब इस CTC का ब्रेकडाउन देखते हैं, तो यहाँ पर जो बेस सैलरी थी वो थी 19.5 lakhs, दिस वॉज द बेस सैलरी। देर वॉज अ ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 1 lakh, देर वॉज अ वर्क फ्रॉम होम बोनस, क्योंकि उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कोविड था 2021 में, तो गुड्डू भैया को टेबल चेयर खरीदने के लिए 50,000 का एक वर्क फ्रॉम होम बोनस भी मिलता है, एंड ईसॉप्स मिलते हैं 7 lakhs के, वेस्टेड ओवर 4 years, 25% ईच ईयर। तो अगर आप एक साल के ईसॉप्स कंसिडर करते हैं, इट कम्स आउट टू 1.75 lakhs। अब कहने को तो ये 28 LPA का पैकेज है, लेकिन अगर आप एक साल का कैलकुलेशन लगाएं एंड 3 साल के जो ईसॉप्स इसमें इंक्लूडेड है उनको हटाएं, देन इट विल रिमेन 22.75 LPA। अब खैर गुड्डू भैया ने कर्ल फिट को 11 ही महीने में छोड़ दिया, क्योंकि उनका प्लेसमेंट हो गया था गूगल में, जो कि उनकी ड्रीम कंपनी थी। तो क्योंकि कर्ल फिट को 11 महीने में छोड़ा गया है, इसीलिए गुड्डू भैया इज नॉट एलिजिबल फॉर द ज्वाइनिंग बोनस, तो गुड्डू भैया को ज्वाइनिंग बोनस वापस करना पड़ता है। और जो ईसॉप्स थे वो भी वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि 25% ईसॉप्स वेस्ट होने थे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और एक साल कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब गुड्डू भैया ने टोटल कर्ल फिट से कितना कमाया, एक महीने की जो बेस सैलरी थी दैट वॉज 1,62,500 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 50,000 जो कि टेबल चेयर खरीदने के लिए दिए थे कंपनी ने, वो वापस नहीं लिए, इट कम्स आउट टू बी 18,37,500 इन 11 मंथ्स। गूगल से गुड्डू भैया को बहुत ही अच्छा पैकेज मिला विच इज 16.2 lakhs। अब इस सैलरी का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं, बेस सैलरी थी 22.44 LPA, ज्वाइनिंग बोनस था 2 lakhs, रिलोकेशन बोनस था 1.7 lakhs और ईयर एंड बोनस था 3.36 lakhs। इसके साथ साथ जो स्टॉक्स दिए गए थे, जो इक्विटी दी गई थी, दैट वॉज 31.8 lakhs वेस्टेड ओवर 4 years, पर यहाँ पर जो वेस्टिंग का परसेंटेज था दैट वॉज 33% फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी 10.5 lakhs के आसपास के यूनिट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। देन सेकेंड ईयर वॉज ऑल्सो 33%, अगेन 10.5 lakhs, थर्ड ईयर के लिए इट वॉज 22%, that is around 7 lakhs and for the fourth year it was only 12%, that is around 3.8 lakhs. तो यहाँ पर जो वेस्टिंग है वो स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा है, एंड के ईयर्स में कम है, which is good for the employee. Now coming to the conclusion, कहने को ये जो पैकेज है that is 61.2 lakhs, लेकिन एक साल का जो पैकेज है इसमें से आपको 3 साल के इक्विटी हटानी पड़ेगी, 3 साल की जो वेस्टिंग है वो हटानी पड़ेगी, it will come out to be 40 lakhs. अब गुड्डू भैया ने गूगल में 16 महीने काम किया, तो देखते हैं कि 16 महीने में गुड्डू भैया ने गूगल से कितना कमाया। एक महीने की जो बेस सैलरी है वो बनती है 1,87,000 मल्टीप्लाई दिस बाई 16 प्लस 10.5 lakhs की इक्विटी वेस्ट हो जाएगी एक साल में, प्लस 2 lakhs का ज्वाइनिंग बोनस, प्लस 1.7 lakhs का रिलोकेशन बोनस, प्लस 3.36 lakhs का ईयरली बोनस, टोटल बनता है आपका 47.48 lakhs। के अलावा भी गूगल ने बहुत कुछ दिया, जैसे कि फ्री जिम और फ्री का खाना। सो इन टोटल इन 2.5 साल में कल फिट से गुड्डू भैया ने कमाया 18.37 lakhs, गूगल से कमाया 47.48 lakhs, टोटल बनता है अराउंड 65.8 lakhs। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, गुड्डू भैया फर्स्ट ईयर में गूगल से 40 लैक्स कमा रहे थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की भी कर लेते हैं और मान लेते हैं कि गुड्डू भैया को 5% का हाइक भी मिल गया ऑन द बेस सैलरी एंड ईयरली बोनस, तो जो बेस सैलरी है वो बन जाएगी 23.56 और जो ईयरली बोनस है वो बन जाएगा 3.53 LPA। नाउ 10.5 lakhs की इक्विटी सेकेंड ईयर भी वेस्ट होगी, दिस विल कम आउट टू बी 37.62 lakhs, विच इज़ लेस देन द फर्स्ट ईयर, एंड मोस्ट ऑफ द फैंग कंपनीज में यही होता है, बिकॉज ऑफ ऑल द ज्वाइनिंग बोनसेस, रिलोकेशन बोनसेस दैट यू गेट इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो कंपनसेशन है वो फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लोग यही कैलकुलेशन थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए भी लगा के देखना, ये और कम हो जाएगा, बट थर्ड और फोर्थ ईयर तक आपका लेवल भी चेंज हो जाएगा। अगर आप L4 पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप L5 बन जाएंगे, अगर आप L3 पे ज्वाइन कर रहे हैं तो L4 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सैलरी ऑफ द इनकम। अगर आपको एक एनालिसिस देखना है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खर्च कितना करता है, तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो का लिंक आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।
बाकी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने का पैकेज लेना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।